आईजीएसटी को लेकर के जो कंफ्यूजन है वो आज क्लियर कर देता हूँ। देखो, आईजीएसटी जब भी लगेगा तो डिफरेंट स्टेट के लिए लगेगा। किसके लिए? डिफरेंट स्टेट के लिए। तो अगर आपकी डेटर पार्टी या क्रेडिटर पार्टी डिफरेंट स्टेट की है, ठीक है, तो ऐसे में उसे आप आईजीएसटी के साथ पेमेंट करेंगे या आईजीएसटी के साथ पेमेंट रिसीव करेंगे, ठीक है। अगर डेटर पार्टी की बात आएगी तो पेमेंट रिसीव करेंगे, और अगर क्रेडिटर पार्टी की बात आएगी तो आप पेमेंट करेंगे, ठीक है। मैं दिखाता हूं कैसे। यहां से मैं एक लेजर बनाता हूं, ठीक है, किसका? एक डेटर पार्टी का लेजर बना लेता हूं या क्रेडिटर पार्टी का ही बना लेता हूं। तो यहां देखिए, लेजर पे चलेंगे, ये लेजर पे आए, जाके एंटर करेंगे, तो यहां पर अब एक क्रेडिटर पार्टी बना रहा हूं, ठीक है। जैसे यहां पे लिखता हूं मैं मॉर्निंग स्टोर, अब ये एक क्रेडिटर पार्टी होगी, ठीक है, और यहाँ पे सी लिख देता हूं ताकि आपको क्लियर होता रहेगा कि ये क्रेडिटर ही है, ठीक है, और ये सन्ड्री क्रेडिटर के ग्रुप में जाएगा। तो ग्रुप मैंने बताया था कि सही सेलेक्ट करना क्यों जरूरी है, अगर आप गलत कर देंगे तो फिर कुछ भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। और यहां पर एंटर करिएगा, एंटर करिएगा, एंटर एंटर करके लीजिए। यहां पर स्टेट आपको चेंज करना है, जैसे मान लीजिए ये प्रदेश के रहने वाले हैं, महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, किसी भी अन्य स्टेट के रहने वाले हैं सिवाय उत्तर प्रदेश के, क्योंकि आपकी कंपनी कहाँ की है? उत्तर प्रदेश की है, ठीक है। तो एंटर एंटर करके इसे एक्सेप्ट कराइएगा, ये एक्सेप्ट हो जाएगा। अब ये एक्सेप्ट हो गया तो यहां पर अब लेजर वाले इसमें जाएंगे तो यहां पर ये भी लेजर नजर आएगा। अल्टर करके दिखा देता हूँ कौन कौन से लेजर्स हैं हमारे पास। देखिए, हमने किस नाम से बनाया था? मॉर्निंग स्टोर ना, तो एम प्रेस करते ही यहाँ मॉर्निंग स्टोर सी वाला नजर आ रहा है लेजर, तो ये तो लेजर बन गया हमारे पास। अब हम इसी का यूज करके परचेजिंग करेंगे, ठीक है, तो देखते हैं कैसे होगा ये। तो परचेज पे आएंगे और यहाँ पर जो भी नंबर वगैरह है वो दे देंगे, एंटर करेंगे। अब यहाँ पे सप्लायर इनवॉइस नंबर पूछेगा, तो जो आपके बिल पर सप्लायर इनवॉइस नंबर दिया गया है, जो आपको क्रेडिटर से बिल मिला है, उसको आप एंटर कर दीजिएगा यहाँ पे। यहाँ पर वो डेट आएगी जिस डेट पर ये परचेजिंग हो रही है, ठीक है, और यहाँ पर मॉर्निंग स्टोर, ठीक है, ये लेजर आ जाएगा, ये आ गया। अब यहाँ पे ऑलरेडी जीएसटी मैंने एक्टिवेट कर रखा है इस कंपनी में, एक बार अभी हम चेक भी कर लेंगे। और यहाँ पर इनका जीएसटी आईएन आप चाहे तो डाल सकते हैं, फिलहाल स्किप किया है मैंने। यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर जो भी स्टॉक आइटम है, जैसे शुगर है हमारे पास, तो ये शुगर पहले से बना रखा है, और कौन से गोडाउन में जाएगा ये, तो हमने गोडाउन भी बना रखा है। अभी ये भी मैटर है कि गोडाउन कैसे बनता है, तो इसके बारे में अभी बात करते हैं। और 50 किलो या 100 किलो चीनी इस गोडाउन में रखा हुआ है, ठीक है, और खरीद रेट क्या भाव पड़ा है? खरीद रेट क्या भाव पड़ा है? 40 रुपए, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 40 रुपए के भाव से खरीदा, अब यहाँ पे आप लगाने की कोशिश करेंगे सीजीएसटी एसजीएसटी, तो ये अप्लाई ही नहीं होगा, नहीं आएगा कैलकुलेट पर। आ रहा है सीजीएसटी गया और ये लीजिए एसजीएसटी भी गया, दोनों नहीं आया। तो ऐसी स्थिति में बच्चे बहुत ज्यादा परेशानी में रहते हैं कि सर मेरा नहीं आ रहा है सीजीएसटी एसजीएसटी, तो आ जाता था पहले, अब नहीं आ रहा है। तो इसके लिए ये जरूरी है कि आप ये देखिए कि आपके क्रेडिटर या डेटर पार्टी का स्टेट क्या है। अगर डिफरेंट स्टेट है तो नहीं आएगा, आईजीएसटी ही बनाना पड़ेगा आपको। तो यहां से बना लेते हैं आईजीएसटी, ठीक है, ये टेलीप्राइम में काफी अच्छा है, यहां से क्रिएट पे जाकर के आप बना सकते हैं लेजर। तो यहां से चलते हैं क्रिएट पर और आईजीएसटी का एक लेजर क्रिएट करते हैं। तो ये लिखा आईजीएसटी और एंटर किया, एंटर किया। आप देखिए आईजीएसटी का मतलब होता है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है, और इसे कौन से ग्रुप में डालेंगे? ड्यूटीज एंड टैक्सेस। तो टैक्सेस से संबंधित जो भी लेजर्स होते हैं उन्हें हम ड्यूटीज एंड टैक्सेस में ही डालते हैं, ठीक है, ये डाल दिया। अब यहाँ पे ये क्या है? जीएसटी है, ठीक है, तो ये जीएसटी कर दिया हमने। अब मान लीजिए यहाँ पे इंटीग्रेटेड टैक्स आ रहा है नीचे, तो यहाँ पे इंटीग्रेटेड टैक्स लगाएंगे। अब इस सेस की भी बात करेंगे हम, लेकिन अभी नहीं, पहले इसको सीख लीजिए, उसके बाद ये हो गया, एंटर करेंगे। अब देखिए यहाँ पर कई बार बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे परसेंटेज दे देते हैं, ये जो एरिया है ना जहाँ 0% लिखा हुआ है, यहाँ परसेंटेज देने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है, यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल कर देते हैं, या आप नॉर्मल राउंडिंग रख सकते हैं और इसको एक्सेप्ट कराते हैं। तो देखिए तुरंत जो है आईजीएसटी पर तुरंत जो है ये कैलकुलेट हो गया, कैलकुलेट हो गया ना। अब जब आईजीएसटी लगा दिया तो कोई अन्य जीएसटी लगाने की जरूरत ही नहीं, ठीक है, तो हो गया काम। अब इसको एंटर एंटर करके एक्सेप्ट करा लीजिए आप पूरा, तो एक्सेप्ट हो गया। अब आप देखेंगे यहां पर, तो यहां पर मैं आपको दिखा भी देता हूं जो परचेस किया हमने, तो यहां पर देखिए ये बिल कुछ इस तरीके से नजर आएगा। और कई बार क्या होता है ना, कई बार आपको अपनी दुकान का नाम उस बिल पर प्रिंट करना रहता है, तो कई बार स्टूडेंट्स इसके लिए भी दिक्कत होती है, तो मैं बता देता हूँ। यहाँ पे जैसे ही आप इसको प्रिंट करवाने के लिए जाएंगे, अल्ट पी प्रेस करेंगे और एंटर करेंगे तो ये विंडो आएगी। फिर यहाँ पर आपको करना क्या होगा, F7 प्रेस करना है, F7। F7 प्रेस करते ही यहाँ इनवॉइस आ रहा है। आपकी दुकान का क्या नाम है? मॉर्निंग स्टोर। तो यहाँ पे मॉर्निंग स्टोर लिख दीजिए यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है, और एंटर करिए, एंटर करिए। और यहां से मैं आपको प्रीव्यू दिखा देता हूं कि मॉर्निंग स्टोर प्रिंट होके आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहां पे देखिए मॉर्निंग स्टोर भी प्रिंट होता हुआ नजर आ रहा है, आ रहा है ना, ऊपर ऊपर देखिए क्या लिखा हुआ है, आ रहा है ना, ठीक है। तो कोई दिक्कत इसमें हो तो बताइए।
ठीक है।